रोज़ एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीता अपने बेटे रोहन और पति मोहित के साथ रहती थी। कहने को मोहित बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसका असली चेहरा क्या था वो कोई नहीं जानता था सिवाय सीता के। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय मोहित और रोहन दोनों ही बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी मोहित खाना फेंकते हुए कहता है, अरे ये क्या बकवास खाना बना रखा है तुमने? क्या हुआ मोहित जी, खाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम? रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ कि खाने में क्या प्रॉब्लम है। इतना कहकर मोहित सीता के मुंह में गर्म खाना ठूंसने लगता है। ये बर्ताव देखकर रोहन अपने पिता का हाथ खींचकर कहता है, ये क्या बदतमीजी है डैड, आप माँ के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते हैं। अरे खाने में मुझे तो कोई खराबी नहीं दिखी। हाँ हाँ, तुझे क्यों दिखेंगी, मुझे ही सारी खराबी दिखती है ना। हाँ लगता है, क्योंकि आपको तो हमसे कोई मतलब नहीं है ना, आपको तो अपनी दूसरी बीवी रचना से मतलब है। और यार आप जाओ यहाँ से, रचना के पास, लेकिन यहाँ रहकर मेरी माँ को सताने का कोई हक नहीं है आपको। अगर मैं चला गया ना तो तुम सब बर्बाद हो जाओगे, समझे? आप गलत फहमी में हैं मेरे प्यारे डैड जी, आप भूलिए मत कि मैं भी एजुकेटेड पर्सन हूँ और मैं इतना कमाता हूँ कि मैं अपनी माँ और इस घर को काफी अच्छे से संभाल सकता हूँ। हाँ हाँ तो ठीक है, जा रहा हूँ मैं और देखता हूँ कि कब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगे। इतना कहकर मोहित वहाँ से चला जाता है। ये देख सीता रोते हुए रोहन से कहती है, बेटा रोहन तूने ये क्या कर दिया, उनको घर से निकाल दिया, आखिर क्यों बेटा, वो जैसे भी हैं तेरे पिता है ना। माँ वो इंसान बहुत ही बेशरम है, तुम देखते रहो रात को लेट ही सही, लेकिन वो आएगा यहीं पर। अब तुम किसी भी चीज की चिंता मत करना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। इतना कहकर रोहन ऑफिस चला जाता है, लेकिन बेचारी सीता बहुत ही परेशान रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ जब रोहन ऑफिस जाता है तब उसको परेशान देख मीनाक्षी कहती है, रोहन व्हाट हैपेंड? नथिंग। अरे रोहन अब बता भी दो क्या हुआ। होगा क्या यार, वही जो रोज होता है। इतना कहकर रोहन रोने लगता है और रोते हुए कहता है, मीनाक्षी मुझे अभी किसी के हेल्प की जरूरत है। मैं हूँ ना रोहन तुम्हारे साथ। मीनाक्षी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मीनाक्षी शादी के लिए तैयार हो जाती है और रोहन उसी दिन मीनाक्षी से शादी करके घर चला जाता है। और सीता अपने बेटे बहू का गृह प्रवेश करवाती है, जिसके बाद वो दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं कि तभी मोहित नशे की हालत में आता है और अपने बेटे को शादी के जोड़े में देख बोलता है, अरे रोहन बेटा तू तो बड़ा हो गया, तू मुझे घर से निकाल देता और शादी करके अपना घर बसा रहा है, बेटा बिना बाप के आशीर्वाद के तेरी शादी कैसे सफल होगी, चल आजा मेरा आशीर्वाद ले ले। रोहन गुस्से में अपने कमरे में जाने लगता है कि तभी मीनाक्षी उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और अब दोनों मोहित के पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने और गुजर जाते हैं और मोहित आए दिन आता और सीता को पीट कर चला जाता। ऐसे ही एक दिन की बात है, रोहन और मीनाक्षी अपने कमरे में होते हैं के तभी दोनों को ही सीता के रोने की आवाज आती है और दोनों तुरंत बाहर आते हैं, जहां वो देखते हैं कि मोहित सीता को पीट रहा था। ये देख मीनाक्षी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने ससुर को रोकते हुए कहती है, अरे आप कैसे पति हैं, भला कोई अपनी पत्नी को इस तरह पीटता है क्या? तुम इस घर की बहू हो, बहू बनकर रहो, समझी? माफ कीजिएगा ससुर जी, लेकिन अब मैं इस घर का हिस्सा हूँ और मेरे रहते इस घर में मेरी माँ को कोई हाथ लगाएगा मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। अरे तो बोल देना अपनी माँ को कि मुझसे डाइवोर्स ले ले, क्यों नहीं होती है ये मुझसे अलग, क्यों है अभी तक ये मेरे साथ, इस औरत ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। माँ लेंगे आपसे डाइवोर्स? बेटा नहीं माँ, बस बहुत हुआ, अब आप और बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। हाँ तो ससुर जी अब आप बताइए आपको डाइवोर्स चाहिए कब? अरे मुझे अभी दिलवा ताकि मैं अपनी रचना के साथ आराम से रह सकूं। ठीक है अब आप यहाँ से जा सकते हो। मीनाक्षी की बात सुनकर मोहित वहाँ से चला जाता है। ये देख सीता फूट फूट कर रोने लगती है और सीता को रोता हुआ देख मीनाक्षी बोलती है, माँ आप क्यों रो रही है, क्या आपको कोई हक नहीं अपनी जिंदगी जीने का, आप अपनी लाइफ क्यों स्पॉइल कर रही हैं ऐसे इंसान के पीछे जिसको आपके आंसू की कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे माँ देखो पापा जी को वो कितने खुश है अपनी दूसरी पत्नी के साथ, आप भी इनको डाइवोर्स देकर अपनी लाइफ आराम से जियो ना माँ प्लीज। मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपने मुझे कभी अपनी बहू के जैसे नहीं बल्कि अपनी बेटी से बढ़कर प्यार किया है और कोई भी बेटी अपनी माँ का कभी भी बुरा नहीं होते देख सकती। बेटा अभी कुछ समय के लिए मुझे अकेला छोड़ दे। पर माँ, मीनाक्षी कुछ बोलती तभी रोहन मीनाक्षी के कंधे पर हाथ रखता है और उसे बोलने से रोक लेता है।
जिसके बाद रोहन और मीनाक्षी सीता को अकेला छोड़ देते हैं। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं, लेकिन सीता उस दिन हुए घर में कलेश से अभी तक बाहर नहीं आई थी। ऐसा कह सकते हैं कि सीता को उस दिन डाइवोर्स के नाम से बहुत ही बड़ा झटका लगा था और वो एक सदमे में जा रही थी। अपनी सास को ऐसा देख मीनाक्षी कुछ दिन के लिए ऑफिस की छुट्टी ले लेती है और अपनी सास का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है, लेकिन उसकी सास अभी उदास रहती थी। ये देख शाम के समय मीनाक्षी रोहन से बोलती है, रोहन अगर मम्मी ऐसे ही रहेंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप मम्मी को क्यों नहीं समझाते कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े? अरे कब तक मम्मी जी ऐसे ही रहेंगी, मुझे मम्मी की हालत देख ही नहीं जाती। यार मैं कैसे समझाऊं माँ को, वो तो मेरी सुनती ही नहीं है। मैं भी चाहता हूँ उनको खुश देखना। एक तरफ तो रोहन और मीनाक्षी बात कर रहे होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ सीता उनकी ये बातें सुन लेती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अकेले में जाकर बहुत ही ज्यादा रोती है। रोते रोते वो अपने साथ वाली मोहित से जुड़ी सारी यादें जलाने लगती है। मोहित जी, आपने मुझे और मेरे बच्चों को खून के आंसू रुलाया है, लेकिन अब बस मैं अपने बच्चों को और परेशान नहीं करूंगी। मेरे बच्चे मुझे खुश देखने के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं, इसलिए अब आपको मैं अपने लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकाल रही हूँ। इतना कहकर सीता सब कुछ जला देती है और अपने बहू बेटे को अपने बच्चों से बोलती है, मेरे बच्चों घर में इतना शांत माहौल क्यों बनाया हुआ है तुम लोगों ने, चलो कहीं बाहर चलते हैं। सीता का ये बिहेवियर देखकर उनको कुछ समझ नहीं आता और मीनाक्षी बोलती है, मम्मी आप ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हैं? जैसे कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप सच में ठीक हैं या बस एक्टिंग कर रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मीनाक्षी, अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ को खुलकर जीना चाहती हूँ। क्या सच में? हाँ बेटा। तो क्या आप डाइवोर्स के लिए रेडी हैं? हाँ बेटा, मैं दूसरी शादी के लिए भी तैयार हूँ। उसकी ये बात सुनकर दोनों ही खुश हो जाते हैं और ये सुनकर मीनाक्षी कहती है, मैं अपनी सास के लिए रिश्ता नहीं बल्कि अपनी सास का स्वयंवर करवाऊंगी। मीनाक्षी की बात सुन सभी लोग अब हंसने लगते हैं और कुछ ही दिनों में अब मोहित और सीता का डाइवोर्स हो जाता है, जिसके बाद अब मीनाक्षी अखबार में हर जगह अपनी सास के स्वयंवर का इश्तेहार छपवा देती है। ये देख बहुत अच्छे अच्छे लोग अब मीनाक्षी के घर आते हैं और अब सीता का स्वयंवर शुरू होता है। सीता अब अपने लिए बेस्ट पार्टनर को ढूंढने लगती है और उनमें से एक होता है विशाल। विशाल को देख सीता बोलती है, विशाल तुम? हाँ मैं। माँ आप विशाल सर को जानते हो क्या? हाँ बेटा, ये वो इंसान है जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। लेकिन तुम इनको सर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये सर है हमारे ऑफिस के, ओनर है ये हमारे। उसकी बात सुनकर अब मीनाक्षी सभी गेस्ट का धन्यवाद करती है और सभी को अलविदा कर देती है। अब विशाल, सीता, मीनाक्षी और रोहन सभी एक साथ बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं और विशाल अब अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है। तुम्हारी माँ ने अपने पीछे मुझे कुछ ज्यादा ही घुमाया है, लेकिन आखिर सीता ने मेरे प्यार को अपना ही लिया। हमारा रिश्ता तुम्हारे नाना को निभाया क्योंकि उस वक्त मैं ज्यादा कमाता नहीं था, इसलिए उन्होंने हमारे प्यार को अपनाया ही नहीं। और मेरी शादी मोहित से करवा दी, लेकिन मोहित मुझसे नहीं बल्कि रचना से प्यार करता था, लेकिन मैं भी क्या करती, अब मैंने इसको अपनी किस्मत समझकर अपना लिया। और आज जब मैंने न्यूज़पेपर में सीता के बारे में पढ़ा तो मैं सीधा यहाँ आ गया। लेकिन सर क्या आपने अभी तक शादी नहीं की? नहीं, क्योंकि मैंने सीता से सच्चा प्यार किया था, इसलिए आज तक उसके अलावा मुझे कोई नहीं भाया। इतना कहकर विशाल अब सीता को प्रपोज करता है। सीता, विल यू मैरी मी? मम्मी से यस। यस। इस तरह सीता अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती है और विशाल के साथ शादी के बंधन में बंध जाती है। साक्षी और कुणाल की शादी को 2 साल पूरे होने में सिर्फ 1 दिन की देरी थी। कहने को तो दोनों के बीच काफी प्यार था। साक्षी अपनी शादी के 2 साल पूरे होने की खुशी में कुणाल की गैर मौजूदगी में पूरे घर को सजाते हुए बोलती है, कुणाल को ऑर्किड्स बेहद पसंद है। आई विश कि उन्हें मेरा ये सरप्राइज पसंद आएगा। डेकोरेशन कंप्लीट हो गई, अब जल्दी से उनका मनपसंद खाना रेडी कर लेती हूँ। साक्षी किचन में जाकर अपने पति की फेवरेट डिश बनाने लगती है और देखते ही देखते रात के 8 बज जाते हैं और साक्षी घड़ी की तरफ देखते हुए बोलती है, 8 बज गए, कुणाल आते ही होंगे, जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। साक्षी जल्दी से कमरे में जाकर नई दुल्हन की तरह तैयार हो जाती है। तभी डोरबेल की आवाज सुनकर वो दौड़ते हुए दरवाजा खोलती है और उसे इतना सजे धजे देखकर कुणाल बोलता है, ये क्या होलिया बना रखा है तुमने, किसी शादी पार्टी में जाना है क्या? What? कुणाल आर यू किडिंग विद मी ना,
क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि आज मेरे लिए कितना खास दिन है? कहीं इसका बर्थडे तो नहीं आज? कुणाल, तुम भूल गए ना, आज हमारी सेकंड वेडिंग एनिवर्सरी है। नहीं तो मैं भला ये दिन कैसे भूल सकता हूँ? आज रात हमारी शादी के 2 साल पूरे हो गए। हैप्पी एनिवर्सरी बेबी। कुणाल के इतना बोलते ही साक्षी उसे हग कर लेती है और कुणाल अपने मन में बोलता है, बाल बाल बच गया आज तो। I have a surprise for you. Come with me. काश शादी की भी कोई एक्सपायरी डेट होती जिससे मैं इस शादी से आजाद हो जाता। 2 साल से एक ही डिश खाकर मैं बोर हो गया हूँ। साक्षी कुणाल से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो अपनी शादी के रिश्ते को दिल से निभाती थी। लेकिन इसके अपोजिट कुणाल हर जगह हॉट लड़कियों को देखकर अपनी आंखें सेकता और उनके साथ फ्लर्ट करने के लिए भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। और उसकी इस अश्लील हरकतों में उसका साथ देता था उसका दोस्त साहिल। वक्त बीतता है और एक दिन कुणाल और साहिल कैफे में बैठकर कॉफी पीते हैं, जहां साहिल बोलता है, और बेटे कैसी रही कल भाभी के साथ तेरी सेकंड एनिवर्सरी? झकास कि बकवास? एकदम बकवास रही। क्यों बे, भाभी ने रात तुझे भोग नहीं लगाया क्या? अबे पगले, रोज रोज तुझे एक ही डिश मिले तो तू उसे उतने ही चाव से खाएगा? नहीं ना, साक्षी ने पूरे कमरे को हमारी वेडिंग नाइट के जैसे सजाया था, लेकिन अब उसमें वो बात नहीं। भाई घर की मुर्गी दाल बराबर ही लगती है, समझा? दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके टेबल के फ्रंट वाले टेबल पर एक हॉट फिगर वाली लड़की समायरा बैठ जाती है और उसे देखकर कुणाल बोलता है, अबे ये तो बिपाशा और प्रियंका से भी ज्यादा हॉट है। कुणाल, वहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली। अबे कमीने, तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन? करेले का जूस पीकर आया है क्या जो ऐसे बोल रहा है? सच सबको कड़वा ही लगता है, समझा? इस बार तू कोई हरकत मत करियो, ऐसा ना हो कि वो सुंदरी कयामत बनकर तेरी शामत ले आए। और वैसे भी तू शादीशुदा है। अबे मैं शादीशुदा हूँ, ऐसा मेरे माथे पर लिखा है क्या? इस गुलाब का भंवरा तो मैं ही बनूंगा, ये तेरे भाई का वादा है। बोलकर कुणाल समायरा की तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगता है और अचानक समायरा की नजरें भी कुणाल से टकरा जाती है, जिसके बाद कुणाल उसकी टेबल के पास आकर बोलता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? यस श्योर, हैव अ सीट। कुणाल हर बार की तरह अपने झूठे वादों और बातों से समायरा के दिल में जगह बना लेता है, जिसके बाद दोनों अपने कॉन्टेक्ट नंबर्स को एक दूसरे से शेयर करते हैं। वक्त गुजरता है और समायरा मांझे की तरह उसकी तरफ खिंची चली जाती है। एक दिन दोनों एक कपल पार्क में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहां समायरा बोलती है, कुणाल आई रियली लव यू। आई लव यू टू बेबी। हमारे रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट 6 मंथ होने वाले हैं, लेट्स गेट मैरिड। शादी? बेबी इतनी जल्दी क्या है शादी की? मैं पहले अपने पैरों पर खड़ा तो हो जाऊं। मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद मैं तुम्हें किसी भी तरह की कमी दूं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। तुम मुझे जैसे रखोगे मैं वैसे रह लूंगी। अब इसे कैसे बताऊं कि मेरी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है, 6 महीने से इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, अब तक दाल नहीं गली, क्या करूं? कुणाल को ऐसी सोचता देखकर समायरा उसे शक भरी नजरों से देखकर बोलती है, कुणाल कुणाल कहां खो गए हो? जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम ऐसे ही खो जाते हो, कहीं तुम मुझे चीट तो नहीं कर रहे, या कहीं तुम पहले से शादीशुदा हो? समायरा, तुम मेरे पर शक कर रही हो, इसका मतलब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। मैं अपने बर्थडे प्लानिंग के बारे में सोच रहा था। ओह रियली, कल तुम्हारा बर्थडे है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? वक्त बीतता है और अगले दिन कुणाल अपने झूठे बर्थडे की आड़ में समायरा को अपने दोस्त साहिल के फ्लैट पर ले जाता है और समायरा बोलती है, कुणाल यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? क्योंकि मैं अपना बर्थडे सिर्फ मेरी जिंदगी, मेरे प्यार यानी कि तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में तुमसे खास मेरे लिए ना कोई है और ना कोई होगा। इतना प्यार करते हो मुझसे? मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला पार्टनर मिला। लेट्स कट द केक, कम ऑन। दोनों मिलकर केक कट करते हैं, जिसके बाद समायरा उसे गिफ्ट देती है, तो कुणाल बोलता है, मुझे ये नहीं चाहिए, आज मेरा बर्थडे है इसीलिए आज जो मैं मांगूंगा क्या तुम मुझे वो गिफ्ट दोगी? हाँ, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हासिल है। बेबी तुमने मुझे वादा किया है और अब मुकरना मत। इतना बोलकर कुणाल उसके करीब जाकर उसे किस करता है और उसे गोद में उठाकर बेड पर ले जाने लगता है।
तभी समायरा अनकंफर्टेबल फील करते हुए बोलती है, कुणाल व्हाट आर यू डूइंग, ये सही नहीं है, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, देखो मेरी आँखों में आई लव यू सो मच, प्यार करने वालों के बीच में ये सब नॉर्मल है, और वैसे भी मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, मैं शादी करूँगा तुमसे, अगर फिर भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूँगा। कुणाल समायरा के आगे इमोशनली बातें करके उससे दूर हो जाता है, और उसके मगरमच्छ के आंसू देखकर समायरा अगले ही पल पिघलते हुए बोलती है, आई ट्रस्ट यू कुणाल, आई एम सॉरी। फंस गई चिड़िया, इस घड़ी के लिए कब से इंतजार कर रहा हूँ। कुणाल लोमड़ी की चाल चलकर समायरा को अपनी हवस का शिकार बनाता है, और फ्लैट के सुनसान अंधेरे कमरे में दोनों अपना काबू खोकर एक दूसरे की आगोश में समा जाते हैं। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं, और समायरा को पता चलता है कि वो कुणाल के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये खबर लेकर वो साहिल के फ्लैट की डोरबेल बजाती है, और साहिल बोलता है, क्या हुआ समायरा, तुम यहाँ? प्लीज कुणाल को बुला दो, पता नहीं उसे क्या हुआ है, पिछले कुछ दिनों से वो मेरा कॉल भी पिक नहीं कर रहा, ना मुझसे मिलने आया, लेकिन आज मुझे उससे मिलना बहुत जरूरी है। कुणाल यहाँ नहीं रहता, वो अपनी वाइफ साक्षी के साथ रहता है। वाइफ? कुणाल शादीशुदा है, और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना तो उसकी आदत है। साहिल के मुंह से सच सुनकर समायरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और वो कुणाल के घर का पता लेकर उसके घर पहुँचती है, जहाँ वो कुणाल का कॉलर पकड़ते हुए बोलती है, हाउ डेयर यू कुणाल, यू चीटर लायर, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम शादीशुदा नहीं हो, मेरे साथ प्यार का नाटक किया। कौन हो तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का कॉलर पकड़ने की? मैं इसके होने वाले बच्चे की माँ हूँ। इसका मतलब पिछले कुछ महीनों से तुम मेरे पति के साथ अय्याशी कर रही थी, कुल छर्रे उड़ा रही थी, और क्या कहा तुमने, बच्चा? 7 फेरे और रस्मों के साथ पूरे समाज के सामने मेरी शादी हुई है इनसे, मैं पत्नी हूँ कुणाल की, तो फिर मैं कौन हूँ? तुम सिर्फ मेरी सौतन हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकती, क्योंकि इस समाज में बिन ब्याही माँ के बच्चे को नाजायज कहा जाता है। मैं तुम्हें मुफ्त में एक हिदायत देती हूँ, अपनी इज्जत चाहती हो तो जाओ और गिरा दो इस बच्चे को, कभी नहीं, हरगिज नहीं, मुझे मेरा और मेरे बच्चे का हक चाहिए। सौतन को हक नहीं बल्कि गालियाँ और समाज में ताने मिलते हैं, तो जैसी को समाज में किस नाम से पुकारा जाता है इसका अंदाजा भी है तुझे? एक औरत होकर भी तुम्हें मेरी तकलीफ नजर नहीं आ रही, जो अपने पति की गलती को नजरअंदाज करके मुझे ही दोष दे रही है। अपनी इज्जत बचाना तो एक औरत के हाथ में है, मर्द जात सिर्फ सुंदरता पर मरते हैं, जरूर तुम्ही ने मेरे पति को बहकाया होगा, शराफत से चली जाओ। मैं मेरा हक लेकर रहूंगी, इसके लिए चाहे मुझे कोर्ट का दरवाजा ही क्यों ना खटखटाना पड़े। समायरा अपने हक के लिए कुणाल पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाती है, जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई होने के साथ अदालत कुणाल पर आईपीसी की धारा 420 के तहत कार्यवाही करती है, जिसके बाद समायरा और उसके बच्चे को कुणाल का नाम मिल ही जाता है। और फिर समायरा बोलती है, मैंने कहा था साक्षी कि मैं मेरा हक लेकर रहूंगी, अब जिंदगी भर मुझे एक ही छत के नीचे मेरे ही घर में इस सौतन के साथ रहना पड़ेगा। कुणाल मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रिद्धि अपने घर में अपनी माँ चेतना के साथ रहा करती थी। रिद्धि एक बहुत ही ज्यादा गोरी और सुंदर लड़की थी, जिसे अपने रंग रूप का बड़ा ही घमंड था। हालांकि रिद्धि एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, पर उसको देखकर ये पोल पाना थोड़ा मुश्किल था। रिद्धि आलोक नाम के एक लड़के से प्यार करती थी, जो कि काफी गोरा और गुड लुकिंग था। ऐसे ही एक दिन वो आलोक से मिलती है और उससे बोलती है, आलोक वैसे तो तुम मुझे सब कुछ बताते हो, पर अपनी फैमिली के बारे में कभी कुछ भी नहीं बताया, बताओ ना तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मेरे घर में मैं और मेरी एक छोटी बहन है दिशा। वाओ, तुम्हारी एक छोटी बहन भी है, और तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं, मिलवाया भी नहीं उससे। मिल लेना, पर वो अभी यहाँ नहीं है, हॉस्टल में है, कुछ दोनों में आने वाली है, जब आ जाएगी तब मिल लेना। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उसकी नजर एक कपल पर जाती है, जिन्हें देख कर रिद्धि जोर से हंसते हुए आलोक से बोलती है, आलोक पता नहीं आजकल लोगों की पसंद को क्या हो गया है। क्या हुआ रिद्धि, इतना क्यों हंस रही हो?
सामने उस कपल को तो देखो, लड़का कितना स्मार्ट और हैंडसम है और लड़की कैसी है, दूध में पड़ी मक्खी जैसी। अरे पता नहीं कैसे उस लड़के ने इस काली सी लड़की को पसंद कर लिया। रिद्धि का ये बिहेवियर देखकर वो अपनी बहन दिशा के बारे में सोचने लगता है और मन ही मन बोलता है, दिशा भी सावली है, अगर अभी इसे उससे मिलवाया तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। और रिद्धि को मैं खोना नहीं चाहता, अगर दिशा को देखकर रिद्धि मुझसे दूर हो गई तो नहीं 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 नहीं, नहीं। इससे अच्छा होगा मैं शादी के बाद ही दोनों को मिलवाऊं। ये सब सोचकर आलोक रिद्धि के घर जाकर उसकी माँ से उसका हाथ मांग लेता है और उसकी माँ भी उनके रिश्ते के लिए मान जाती है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में वो दोनों शादी करने के लिए कोर्ट जाते हैं, जहाँ रिद्धि आलोक से बोलती है, क्या आलोक अब तो दिशा भी आ चुकी है और आज के दिन भी तुम उसे लेकर नहीं आए। वो खुद नहीं आई, बोलने लगी भाभी आएगी तो कोई तो होना चाहिए ना उनका स्वागत करने के लिए। ये सुनकर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, जिसके बाद जब वो घर आते हैं तो दिशा अपनी भाभी का स्वागत करती है और उसको देखते ही रिद्धि आलोक से बोलती है, ये कौन है? ये तुम्हारी ननद, मेरी प्यारी बहन दिशा। ये तुम्हारी बहन है सच में? अरे खुद को देखो और इसको देखो, अरे दिन रात लगते हो तुम दोनों। सांवले रंग वाले इंसान नहीं होते क्या, और आपके घर में कोई सांवला नहीं है? छोटी हो तो छोटी बनकर रहो, समझ गई? ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है और हटो मेरे रास्ते से। क्या काली बिल्ली बनकर मेरे रास्ते में खड़ी हो? रिद्धि ये क्या बदतमीजी है, जिससे तुम ऐसे बात कर रही हो वो मेरी बहन है, समझी? आलोक वहाँ से गुस्से में चला जाता है और रिद्धि उसको मनाने लगती है। वहीं दिशा आकर दो मिनट में अपने भाई को मना लेती है और बोलती है, भैया ये तो ननद भाभी का प्यार है और भाभी आई है तो उनके लिए कुछ अच्छा सा स्पेशल करो। आलोक मान जाता है और सबको डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है, जहां दिशा अपनी भाभी और भाई से कहती है, वाओ भैया मैं तो आपकी शादी का ही वेट कर रही थी। क्यों, कोई और शौक देना है क्या? नहीं भाभी, बस कुछ बताना था। क्या बताना है बता, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। दिशा अपने बॉयफ्रेंड अनिल के बारे में उन दोनों को बता देती है, साथ ही उसकी फोटो दिखाते हुए कहती है, ये है भैया अनिल और हम दोनों हमेशा के लिए एक होना चाहते हैं। रिद्धि बेटा कुछ कर और इसको इसकी असली औकात दिखा, इसने आज तेरी बेइज्जती की थी और भूल मत, इसी की वजह से आलोक ने तुझ पर पहली बार गुस्सा किया था, तो मिलवाना। दिशा ये सब कुछ सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अनिल को फोन करके अगले हफ्ते ही उसे घर आने को बोलती है। ऐसे ही दो दिन बीत जाते हैं और रिद्धि उसके पास आकर अपना और उसका हाथ मिलाकर उससे बोलती है, तो तुमने अनिल को अपने सांवले रंग से कैसे पटाया? हाँ अपना रंग देखो और मेरा देखो, तुम जितनी काली हो मैं उतनी ही गोरी हूँ। भाभी आप ऐसा क्यों बोल रही हो, और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे तुम तो बुरा मान गई दिशा, मैं तो मजाक कर रही थी, क्योंकि आजकल के लोग ना ये बड़ा गोरे काले का भेदभाव करते हैं। औरों का तो पता नहीं पर आप जरूर करती हो भाभी। इसकी तो सारी हेकड़ी निकालूंगी मैं। रिद्धि मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और कुछ ही दिनों बाद अनिल रात को डिनर पर आता है। सभी आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद सब मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी बाहर जाकर रिद्धि अनिल को रोककर उससे कहती है, आप तो अच्छे घर से लग रहे हैं, आपकी शादी किसी ऐसी लड़की से ना हो जो आपके घर की बहू बनने लायक ना हो। भाभी ये आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे पता था कि आप मेरी बातों का यकीन बिल्कुल नहीं करेंगे, इसीलिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। रिद्धि अनिल को दिशा की कुछ गंदी सी पिक्चर्स दिखाती है, जिसमें वो किसी और के साथ होती है। ये सब देखकर अनिल बिना दिशा से कुछ बात किए उसे हमेशा के लिए ब्लॉक कर देता है और अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देता है। अनिल का ऐसा रवैया देखकर दिशा को कुछ समझ नहीं आता और वो अकेले रहना शुरू कर देती है, पर आलोक
अपनी बहन से बोलता है, दिशा अगर किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस इंसान के लिए हमसे रिश्ता तोड़ दो। आलोक तुम सही कह रहे हो, मुझे तो लगता है कि अनिल ने दिशा को उसके सांवरे रंग की वजह से छोड़ा होगा। तुम ही देखो ना, कहां वो इतना गोरा चिट्टा और कहां हमारी दिशा। मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ बस। आलोक अपनी बहन को संभाल ही रहा होता है कि तभी रिद्धि के पास एक अननोन नंबर से फोन आता है और उसको पता चलता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया और उनके इलाज के लिए 4 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा करने हैं। वो ये बात अपने पति को बोलती है और आलोक अपनी सेविंग्स और दिशा की शादी के पैसे सब कुछ जोड़कर 4 लाख जमा नहीं कर पाता, पर दिशा के पास 1 लाख रुपए होते हैं तो वो ये पैसे अपनी भाभी को देकर उनसे कहती है, भाभी आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा और आप मेरे से कुछ पैसे भी ले लो। रिद्धि दिशा को ऐसे अपनी हेल्प करते हुए देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उन सारे पैसों को जमा करके अपनी माँ की जान बचा लेती है। और जब उसकी माँ को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में सबके सामने दिशा से माफी मांगते हुए बोलती है, दिशा मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा ही तुम्हारे इस सांवले रंग से जलती रही और खुद को तुमसे ऊंचा दिखाने के लिए मैंने हमेशा ही तुम्हारे साथ गलत किया, जबकि तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं थी। क्या हुआ भाभी, अब साफ साफ बोलिए। तुझसे क्या गलती हो गई मेरी बच्ची, कहीं तूने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। रिद्धि रोते हुए अपना पूरा सच बताती है कि किस तरह उसने अनिल को दिशा से दूर किया और ये सब पता कर वो अपनी गलती को सुधारने के लिए उनसे एक मौका मांगती है। सभी लोग उस पर बहुत गुस्सा होते हैं पर उसे ऐसे माफी मांगता हुआ देखकर उसे एक मौका दे देते हैं। रिद्धि सब कुछ पहले की तरह ठीक कर देती है। अब कुछ ही दिनों बाद दिशा की शादी भी अनिल से हो जाती है और दोनों ननंद और भाभी अपने अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं, जिसके बाद रिद्धि भी गोरे और सांवले रंग में भेदभाव करना छोड़ देती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।